बच्चों को लगता है कि परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है, एक अच्छी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। जो बच्चे 10th और 12th में पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते हैं, एक कंपटीशन की भावना से नहीं पढ़ते हैं और परसेंटेज को सोचते हैं कि यार बस अभी मैं पास हो जाऊं, बस एक एवरेज परसेंटेज बन जाए तो मेरा करियर सफल हो जाएगा और आगे चल के मैं एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब कर पाऊंगा, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है। इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो के अंत तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया जो है परसेंटेज के पीछे क्यों भाग रही है, दुनिया जो है एक दूसरे से कंपटीशन करने में क्यों लगी हुई है, क्यों एक अच्छे कॉलेज की डिग्री, एक अच्छी परसेंटेज वाली डिग्री के इतने बड़े मायने हैं। सारी चीजें इस वीडियो में अच्छे से आपको। मान लीजिए एक कंपनी ने एक पोस्ट निकाली, अब जब एक पोस्ट निकालती है कोई भी कंपनी तो आपको सबको पता है एक अनार 100 बीमार, तो एक पोस्ट है, मान लीजिए उसके लिए 10 लोगों ने अप्लाई किया, अब 10 लोगों में आपने भी अप्लाई किया और आपकी जो है 10th 12th और डिग्री में एक एवरेज परसेंटेज रही है, अब आपने उस परसेंटेज के हिसाब से अपना रिज्यूम मेंशन किया, रिज्यूम को एडिट किया, रिज्यूम को एडिट करने के बाद कंपनी में सबमिट कर दिया। ऐसे 10 बंदों ने यहाँ पर सबमिट किया एक पोस्ट के लिए। अब जब 10 रिज्यूम कंपनी के पास पहुंच जाएंगे तब वो कंपनी क्या करेगी, उन रिज्यूम में से शॉर्ट लिस्ट करेगी रिज्यूम को। अब कुछ बंदों को वो शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। अब इंटरव्यू के लिए कौन, किस बंदे को वो शॉर्ट लिस्ट करेगी, किस तरीके से, किस क्राइटेरिया पे शॉर्ट लिस्ट करेगी, सबसे पहली बात परसेंटेज देखेगी कि आपकी 10th 12th में क्या परसेंटेज थी, क्या सब्जेक्ट थे, डिग्री में क्या परसेंटेज है, क्या सब्जेक्ट हैं, क्या प्रोजेक्ट आपने बनाया, उसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ रहा है किसके थ्रू, रिज्यूम के थ्रू, उस इंप्रेशन के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। मान लीजिए अगर आपकी परसेंटेज कम है और किसी बंदे की परसेंटेज ज्यादा है तो सबसे पहला जो कॉल है वो किसके पास जाएगा, उस बंदे के पास जिसकी डिग्री अच्छी है, जिसकी परसेंटेज अच्छी है, जिसका प्रोजेक्ट अच्छा है, तो सारी चीजें जिसकी अच्छी है उस रिज्यूम के माध्यम से कॉल उसके पास जाएगी। अब सिलेक्शन किसका हुआ, उस बंदे का जिसकी परसेंटेज अच्छी थी, जिसकी डिग्री अच्छी थी और आपका नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि आपके एवरेज मार्क्स थे, आपकी एक एवरेज डिग्री थी, तो हो सकता है कि उससे अच्छा काम आप कर जाते, हो सकता है उससे अच्छा काम आप कर जाते, लेकिन आपको तो पहला चांस ही नहीं मिला। अब आप एक बात सोचिए, आपको तो पहला चांस ही नहीं मिला। अब पहला चांस किसको मिला, जिसकी परसेंटेज अच्छी थी, जिसकी डिग्री अच्छी थी। अब अनफॉर्चुनेटली अगर ये बंदा जॉब नहीं करता है या फिर इसकी जो वर्किंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तब जाके आपको सेकंड चांस मिलेगा। अब सेकंड चांस तो मिलना बेहद मुश्किल होता है, तो आप सोचिए आपको जो है चांस ही नहीं मिला, क्या पता आप उससे अच्छा कर जाते। तो सबसे बड़ी बात है कि जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, जो परसेंटेज है, आपको पहला चांस दिलाएगी। आपने सबसे पहले सुना होगा, सबसे ज्यादा ये बात सुनी होगी, यार उसका सिलेक्शन हो गया, यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया, उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। वो बस यही कारण है, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है आपकी डिग्री डालती है, आपके सर्टिफिकेट डालते हैं, आपकी परसेंटेज डालती है। तो पहला इंप्रेशन किसके थ्रू पड़ेगा, उस रिज्यूम के थ्रू जिसमें आपकी डिग्री और आपके सर्टिफिकेट मेंशन होंगे। तो पहला चांस दिलाएगी आपको डिग्री, समझ रहे हो बात को, पहला चांस आपको डिग्री दिलाएगी, उसके बाद आपकी स्किल्स आएगी। तो पहला चांस तो एटलीस्ट मिलना चाहिए, तभी तो आप अपनी स्किल्स दिखा पाओगे। जब प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा आपको तो स्किल्स कहाँ पे दिखाओगे। तो सबसे पहली बात, डिग्री अच्छा होना बेहद जरूरी है, परसेंटेज अच्छा होना बेहद जरूरी है, तभी दुनिया जो है परसेंटेज के पीछे भाग रही है। सिर्फ पहला चांस लेने के लिए दुनिया परसेंटेज के पीछे भाग रही है, अच्छी डिग्री कर रही है।